प्रथम सत्र में डॉक्टर अंजना चौरसिया मैम का जीवन परिचय इस प्रकार है। कथक नृत्यांगना एवं गुरु डॉक्टर अंजना चौरसिया मैम ने बालिकाल से ही नृत्य की शिक्षा प्रारंभ कर दी थी। बाद में आपने उच्च शिक्षा के लिए इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ छत्तीसगढ़ में प्रोफेसर डॉक्टर मांडे सिंह जी से आपने कथक नृत्य की तालीम प्राप्त की। आपने MA, MPhil एवं PhD भी उन्हीं के मार्गदर्शन में की। आपकी प्रारंभिक शिक्षा उपमा गोस्वामी एवं समृद्ध चौधरी जी से ली। आपका PhD में विशेष शोध कार्य का विषय नाट्यशास्त्र एवं अभिनय दर्पण के अनुसार कथक नृत्य में प्रयोग होने वाली हस्त मुद्राओं का विश्लेषण अध्ययन है। उच्च अकादमिक योग्यता प्राप्त करते हुए आपने नेट परीक्षा भी उत्तीर्ण की है। आपने कथक नृत्य के साथ प्रभाकर शास्त्रीय गायन एवं तबले की शिक्षा आपने अपने पिता श्री डॉक्टर रामेश्वर प्रसाद चौरसिया जी से प्राप्त की। आप देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर, इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ के परीक्षक पैनल में सम्मिलित हैं। आप कथक के ताल पक्ष एवं भाव पक्ष पर समानता के लिए जानी जाती हैं। आपने भारत के कई राज्यों के उत्सवों एवं विभिन्न प्रतियोगिता में हिस्सा लिया, जिनमें युवा उत्सव मध्य प्रदेश, अखिल भारतीय किरण उत्सव कटनी, युवा उत्सव बिहार, छत्तीसगढ़ के युवा एवं कल्याण विभाग के कार्यक्रमों में अपनी सफल प्रस्तुति दी है। वर्तमान में आप महारानी लक्ष्मीबाई शासकीय कन्या महाविद्यालय इंदौर के नृत्य विभाग में सहायक प्राध्यापक पद पर हैं। मैं डॉक्टर अंजना चौरसिया मैम को आमंत्रित करती हूँ। आदरणीय मैम, आदरणीय प्रिंसिपल, आदरणीय मैडम, आदरणीय सभी छात्र छात्राएं, मैं आपका जैसा कि आप सभी को पता है कि आज हम लक्ष्मी महाराज जी की जयंती मनाने जा रहे हैं, तो उन्हीं के व्यक्तित्व और कृतित्व पर चर्चा में थोड़ा सा करने जा रही हूँ, इसमें जो गलतियाँ हों क्षमा करें। पंडित लक्ष्मी महाराज, जिनका पूरा नाम बैद्यनाथ प्रसाद मिश्र था, इनका जन्म 1 सितंबर 1901 में लखनऊ में हुआ। इनके पिता का नाम कालका प्रसाद मिश्र और चाचा का नाम बिंदा दीमा मिश्र। ये तीन भाई थे, अच्छा महाराज, लक्ष्मण महाराज और शंभू महाराज। मैं आज उनकी शिक्षण पद्धति के बारे में बोल रही हूँ, क्योंकि ये महत्वपूर्ण इसलिए है कि आज भले ही संस्थागत शिक्षण पद्धति में सीखना और सिखाना नृत्य कला की परंपरा है, परंतु उनमें इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना कि किस तरह शिक्षा लेना है और देना चाहिए, इसके लिए हमें उनकी शिक्षण पद्धति की ओर प्रकाश डालना आवश्यक हो जाता है। पंडित लक्ष्मण महाराज जी का कथक के लखनऊ घराने के लिए योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। वे कथक के लखनऊ घराने के अनमोल रत्न हैं। उन्हें कथक के लास्य अंग एवं भाव का सम्राट कहा जाता है। उन्होंने कथक की शुद्धता को लेकर बहुत काम किया। वे नृत्य की खूबसूरती पर बहुत अधिक बल देते थे, या यूं कहें कि नृत्य को खूबसूरत बनाना ही उनका एकमात्र ध्येय होता था। महाराज जी ने कई वर्षों तक रामपुर, रायगढ़, जयपुर आदि राज दरबारों में नृत्य प्रदर्शन और प्रशिक्षण कार्य किया, परंतु नित्य नए प्रयोगों के लिए छटपटाता उनका मन राज दरबारों में नहीं रहा। उन दिनों फिल्में कलात्मक अभिव्यक्ति के सशक्त माध्यम के तौर पर उभर रही थी। फिल्मों के माध्यम से वे कथक नृत्य का विकास करना चाहते थे। इस प्रयास में तीसरे से छठे दशक तक वे फिल्मों में नृत्य निर्देशन से जुड़े रहे और उन्होंने मुगले आजम, महल, पाकीजा, तीसरी कसम और जीवन मृत्यु जैसी 150 फिल्मों में काम किया। इस प्रकार फिल्मों में कथक की शुद्धता को सिद्ध किया और कथक को कितनी ही ऊंचाइयों तक पहुंचाया। जैसे ठाड़े रहियो ओ वाके यार में कथक की शुद्धता को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। उन्होंने कथक को लेकर किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया। इसके बाद वे 1972 में लखनऊ कथक केंद्र आ गए। महाराज जी ने वर्षों बाद अपनी जन्मभूमि लखनऊ को अपनी कर्मभूमि बनाया। वे लखनऊ में कथक की नई पीढ़ी को तैयार करने में सक्रिय हो गए। वे शिष्यों की भीड़ में से आस्थावान, दृढ़ संकल्पित, परिश्रमी, प्रतिभावान,
गंभीर और जिज्ञासुओं की खोज में रहते थे। उनकी शिष्य परंपरा में रमा देवी, सितारा देवी, डॉक्टर कपिला शर्मा, डॉक्टर पीडी आशीर्वादम, कुमकुंधर, पंडित बिरजू महाराज, दमयंती जोशी, बर्मन लाल और मोनी भाटे जैसे वरिष्ठ कलाकार हुए। महाराज जी के अनुशासन, नियम और आचार व्यवहार के इतने पक्के थे कि उनके पास केवल परिश्रमी और कर्मठ शिष्याएं ही टिक पाते थे। कथक के प्रति आस्था को वे एकाग्रता का नाम देते थे। उनके विचार से कथक के प्रति एकाग्रता और उसी के प्रति एकाग्रचित होकर अभ्यास करते रहना ही सबसे बड़ी शिक्षा थी। उनका मानना था कि कथक को शौकिया तौर पर करना अपूर्णता और अनाचार है। चूंकि वे परफेक्शन के आग्रही थे, अतः संपूर्णता चाहते थे। के बारे में मैं कहना चाहूंगी कि महाराज जी की इस बात में कितनी सच्चाई है, परंतु वर्तमान परिप्रेक्ष्य में मैं सामान्यतः यह देखती हूँ कि नृत्य को लोग मात्र शौकिया तौर पर ही सीखना चाहते हैं। मुझे लगता है कथक के विद्यार्थियों को महाराज जी की इस बात को समझने की बहुत आवश्यकता है। मैंने अपनी गुरु इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय की पूर्व कुलपति डॉक्टर मांडवी सिंह जी के पुस्तक, जो कि लच्छू महाराज जी पर ही आधारित है, उसका अध्ययन किया और उसमें महाराज जी की शिक्षण पद्धति से संबंधित जो बातें लिखी हैं उन्हीं के बारे में चर्चा कर रही हूँ। सितारा देवी के अनुसार महाराज जी का सिखाने का ढंग बहुत भिन्न था। जैसे बताना है कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो महाराज जी कहते थे कल आकर बताना, कितने तरीके से तुम बता सकती हो। अलग अलग नायिका में, जैसे खंडिता में, गणिका में, मुग्धा में, स्वकीय में, किस प्रकार से तुम बता सकती हो, गलत होगा तो मैं बताऊंगा। सितारा देवी कहती हैं कि इसलिए उन्होंने फिल्मों में काम करना छोड़ दिया कि वो महाराज जी के सिखाने के ढंग से उन्हें नृत्य से प्रेम हो गया। उन्होंने सोचा दोनों ओर कार्य करने से नृत्य परिपूर्ण नहीं होगा। वे कहती हैं कि उनके नृत्य में जो रस है, सुंदरता है, स्थिरता है, धैर्य है, वो सब महाराज जी की ही देन है। मैं विद्यार्थियों को सितारा देवी की इस बात पर विशेष गौर करने के लिए कहूंगी, दोनों ओर कार्य करने से नृत्य परिपूर्ण नहीं होगा। इस बात के लिए मैं कई वर्षों से संस्थागत शिक्षण प्रणाली में काम कर रही हूँ और मैंने ये अनुभव किया कि आज के विद्यार्थी एक ही विषय पर ध्यान आकर्षित करना नहीं चाहते। वे एमए जैसी डिग्री प्राप्त करने के लिए प्रवेश तो ले लेते हैं, परंतु जब क्लास में आने के लिए बोला जाए तो वे कहते हैं मैं क्लास नहीं आ सकती क्योंकि जॉब करती हूँ। कुछ कहते हैं कि मैं अदर कोर्सेज भी करती हूँ। मुझे लगता है कि कुछ विद्यार्थी तो आर्थिक रूप से मजबूर होते हैं, परंतु जिन बच्चों की आर्थिक स्थिति अच्छी है वे भी जब इस तरह की बातें करते हैं तो बहुत दुख होता है। एक तो संस्थागत शिक्षण प्रणाली में समय ही इतना कम होता है और उतने समय में संपूर्ण पाठ्यक्रम पूरा कराना होता है। ऐसे में विद्यार्थी कक्षा में ही नहीं आएंगे तो क्या सीखेंगे और कितना सीख पाएंगे। मेरे पापा हमेशा मुझे एक बात कहते हैं कि एक साधे सब सधे और सब साधे सब जाए। अतः आज विद्यार्थियों को सितारा देवी की इस बात को समझने की बहुत आवश्यकता है। इसी प्रकार कपिला शर्मा जी भी कहती हैं कि महाराज जी शिष्यों को स्वयं के लिए प्रोत्साहित करते थे, स्वयं करने के लिए प्रोत्साहित करते थे। जैसे कोई गद्यकार सिखाए तो कहते कल इसका जोड़ा बनाकर दिखाना, दूसरे दिन सबके सामने पूछते, कराते और प्रशंसा भी करते थे। इसी तरह सितारा देवी एवं कपिला शर्मा के उपर्युक्त कथनों से यह ज्ञात होता है कि महाराज जी अपने शिष्यों में विद्यमान अभिनय प्रतिभा को स्वाभाविक ढंग से उभारने का प्रयास करते थे। जब कोई कमी दिखती वे उसे सुधारते थे। यह विधि उनकी मनोवैज्ञानिक शिक्षण पद्धति का द्योतक है। आधुनिक के युग में भी विश्वविद्यालय स्तर पर नवीन शिक्षण पद्धति के अंतर्गत इसी को अपनाने का प्रयोग किया जा रहा है। इसमें विद्यार्थियों को स्वयं सोचने का अवसर मिलता है। इस प्रकार के मनोवैज्ञानिक तरीकों का महाराज जी अक्सर प्रयोग करते थे। महाराज जी की एक शिष्या स्वेनी पंड्या है, उनके प्रायोगिक शिक्षण के बारे में वे कहती हैं कि एक बार वे महाराज जी के पास बैठी थी। महाराज जी उन्हें मुरली की उछाल गत सिखाना चाहते थे। उनके पास माचिस का एक डिब्बा था, उसे उन्होंने उछाला और स्वेनी पंड्या से बोला, पकड़ने के लिए बोला। स्वेनी पंड्या ने उसे पकड़ा
उस समय माचिस के डिब्बे पर श्रेणी पंड्या की जो नजर पड़ी उसे देखकर महाराज जी बोले, बस इसी तरह तुम्हें मुरली पकड़ना है। इसी तरह कई उदाहरण उनके शिष्य बताते हैं। मेरे विचार से महाराज जी की शिक्षण पद्धति जितनी स्वाभाविक थी उतनी ही रोमांचित करने वाली थी। इस प्रकार की शिक्षण शैली निश्चित ही विद्यार्थियों को अभिनय एवं अंगों के संचालन आदि सीखने में सहायक रही होगी। अधिकांशतः ऐसा होता था कि महाराज जी अपने शिष्यों के साथ खड़े हैं और कोई स्त्री वहां से गुजर रही है, वे अपने शिष्यों से कहते उन्हें ध्यान से देखो, फिर बताएं कि उनकी चाल कैसी है और इनमें कौन सी नायिका के लक्षण है, गत में इनको इनकी चाल को कैसे चल सकते हैं आदि। उनकी शिष्या श्रीमती पद्मा शर्मा बताती हैं कि एक बार सड़क पर बहुत सुंदर दुबली पतली लड़की जा रही थी। उसके बाल बहुत लंबे थे जिसके कारण उसकी चूड़ियां बहुत लंबी थी और वह ऐसे घूम रही थी मानो कोई नागिन हो। उसकी चाल भी वैसी थी। दूसरे दिन महाराज जी गत में वही चाल करके बताए कि कैसे उसकी चाल झूम के होगी। स्वाभाविक रूप से जिनके बाल लंबे होते हैं उनकी चाल थोड़ी अलग झूम और लोच के साथ होती है। यहाँ पर महाराज जी के बारे में एक बात और निकल कर आती है कि उनकी नजर कितनी सूक्ष्म थी, वे कितना सोचते थे, चिंतन करते थे कि इस तरह के लोक जीवन की व्यावहारिक चीजों को कैसे नृत्यगत बनाना है, कैसे उसमें खूबसूरती आएगी। खैर ये तो महाराज जी ही कर सकते हैं, हमें तो मात्र उनके टेक्निक को सीखना होगा। आगे इसी संदर्भ में एक और घटना है, आपको समझ में तो आ रहा होगा, हमें बहुत अच्छे से आ रहा है और मजा भी आ रहा है, बहुत अच्छा लगा, अच्छा लगा, आनंद आ रहा है। इसी संदर्भ में एक और घटना इस प्रकार है। एक बार महाराज जी अपने शागिर्द डॉक्टर आशीर्वादन को छोड़ने के लिए मालविका सरकार और कपिला शर्मा जी के साथ स्टेशन जा रहे थे, तो वहाँ गाड़ी को छूटने में थोड़ा समय था। वहाँ महाराज जी की नज़र एक स्त्री पर पड़ी, बहुत सुंदर थी जो, तो उन्होंने शायद वो किसी को विदा करने आई थी अपने किसी रिश्तेदार को, और अन्य महिलाओं के साथ प्लेटफॉर्म पर खड़े रहकर अपनी मस्ती में प्रसन्न लग रही थी। कभी डिब्बे के अंदर बैठे अपने रिश्तेदार से और कभी अपने साथियों से हंसते हुए बातचीत में मग्न थी। उनका खड़े रहने का अंदाज इतना खूबसूरत था कि महाराज जी की दृष्टि उस पर पड़ी और वे उसके शारीरिक संतुलन पर गौर करने लगे और अपने शिष्यों को बताने लगे कि उस औरत का खड़े रहने का अंदाज इसलिए खूबसूरत लग रहा है कि उसने अपने शरीर का सारा वजन एक पैर पर डालकर रखा है और गर्दन को भी उसी के अनुरूप झुकाकर वह खड़ी है। उसकी उसके शरीर से त्रिभंगी भंगिमा बनी थी, रंग गोरा था और साड़ी का रंग हल्का पीला, कुल मिलाकर उस स्त्री का अंदाज बहुत आकर्षक था। इस प्रकार कई बार महाराज जी अपने शिष्यों को जीवन के विशालों से वृत्ति की बारीकियों और गहराइयों को समझाते थे और कहते थे यह सब गद्य निकास और अभिनय में काम आते हैं। उपर्युक्त घटनाओं से ज्ञात होता है कि महाराज जी का ऑब्जर्वेशन बहुत सटीक और लाभदायक था। वे नृत्य शिक्षण के समय बहुत गंभीरता से सिखाते थे और अपने शिष्यों से भी ये कहते थे कि यदि तुम गंभीर हो तो सीखो वरना मेरा समय खराब मत करो। उनकी शिक्षण पद्धति की एक और विशेषता यह थी कि सिखाते समय स्वयं करके बहुत बताते थे। किसी शिष्य को यदि कुछ समझ में नहीं आ रहा तो पूछने पर यह स्वयं ही तुरंत उठकर खड़े होकर बताने लगते थे। वो बहाना नहीं करते थे और ना ही ये सोचते थे कि बैठे बैठे ही बता दिया जाए। मुझे लगता है महाराज जी की इस विशेषता पर ध्यान आकर्षित करते हुए वर्तमान शिक्षकों को सीख लेने की आवश्यकता है। महाराज जी की शिक्षण पद्धति प्रयोगात्मक थी। किसी चीज को सिखाने के बाद उसे कई तरह से बदल बदल कर कराते हुए उसका प्रभाव देखते थे, उसमें नए नए प्रयोग करते थे, उसमें दूसरों के विचार भी सुनते थे और यदि उचित लगे तो अपनाते भी थे। उनका प्रयास यही रहता था कि कैसे उसमें खूबसूरती आ सकती है। एक बार जब आशीर्वादम डॉक्टर आशीर्वादम महाराज जी से गद्यनिकास सीख रहे थे, पलटा लेते समय जब हथेली को ऊपर घुमाया जाता है वे उसी ओर देखने लगे, क्योंकि अभिनय दर्पण के अनुसार ये तो हस्तस्थो दृष्टि का भी पालन करते थे। महाराज जी देखते ही समझ गए, तुरंत उन्होंने कहा बेटा तुम शास्त्र छोड़ो। पलटा में हाथ घुमाते समय
जिस हाथ को घुमा रहे हो उसी की तरफ गर्दन मोड़कर नीचे की ओर देखते हुए हाथ घुमाओ तो खूबसूरत लगेगा। उन्होंने वैसा ही अभ्यास किया और यह पाया कि महाराज जी द्वारा बताया गया पलटा ही खूबसूरत लगता है। तात्पर्य यह है कि नर्तक को वही करना चाहिए जो खूबसूरत लगे। शास्त्र तो केवल मार्गदर्शन के लिए है, सच्चा शास्त्र तो वही है जो नृत्य को खूबसूरत बनाता है। महाराज जी के यही विचार थे और अपने शिष्यों को शिक्षा देते समय वे इन्हीं बातों का ध्यान रखते थे। महामुनि भरत ने भी अपने नाट्य शास्त्र में कई स्थानों पर लिखा है कि प्रयोक्ता को समाज और लोक जीवन से भी कई चीजें ग्रहण करना चाहिए। केंद्र में सिखाते समय महाराज जी अपने शिष्यों पर हमेशा निगरानी रखते थे। शिष्यों के क्रियाकलापों का उन्हें पूरा अनुमान रहता था। श्रीमती पद्मा शर्मा के अनुसार एक दिन वो अभ्यास कर रही थी, महाराज जी बोले कि तुम करती रहो और मैं पान खाकर आता हूँ। पद्मा जी ने सोचा कि ये तो अभी गए हैं, आधे घंटे बाद आएंगे, तब तक मैं क्यों ना थोड़ा सा गप मार लूँ। तो उन्होंने ब्रेक दे दिया। महाराज किसी ने बताया कि महाराज जी आ रहे हैं और तो वो तुरंत खड़ी हो गई और नृत्य करने लगी। महाराज जी ने पूछा कि क्या कर रही थी, तो उन्होंने कहा मैं डांस कर रही थी। उन्होंने वो उस जगह से उसको उनको हटाया और उसको छूकर देखा, क्योंकि ये ऐसा होता है कि जब अपन 15 से 20 मिनट तक नृत्य करते हैं तो वह गर्म हो जाता है। तो वो तुरंत समझ गए कि यहाँ उसने क्या किया है। इस प्रकार महाराज जी अपने शिष्यों को बहुत ध्यान से शिक्षा देते थे ताकि भविष्य में वे कथक जगत में कुछ चिरस्मरणीय कार्य कर सके। महाराज जी चाहते थे कि उनके शिष्य नृत्य के साथ कुछ और अध्ययन ना करें। आश्चर्य की बात तो ये थी कि उनके सभी शिष्य जीवन पर्यंत ऐसा ही चले। वे अक्सर मनोविज्ञान की बातें करते थे, वे अपने शिष्यों की मानसिकता का मनोवैज्ञानिक अध्ययन करते थे। ये उनका महत्वपूर्ण निष्कर्ष था कि मनुष्य के दिमाग में एक समय में एक ही कार्य को पूर्ण करने की क्षमता होती है, चाहे वह कला हो या विज्ञान। एक ही समय में अनेक ओर ध्यान देने से इंसान किसी में दक्षता हासिल नहीं कर सकता। गुरु शिष्य परंपरा की यह भी एक विशेषता है। यही कारण है कि आज नृत्य की शिक्षा का स्तर पतन की ओर अग्रसर है, क्योंकि आज नृत्य के विद्यार्थी को कई विषयों का अध्ययन करना पड़ता है। यही समय की आवश्यकता भी है। यदि किसी को कलाकार बनना है तो जहाँ तक हो सके अन्य विषयों से वह मुड़ना ही होगा। महाराज जी की यह धारणा अक्षरशः सत्य प्रतीत होती है। महाराज जी अपने शिष्यों को एकदम स्वाभाविक रूप से शिक्षा देते थे। जैसे कालियादमन गद्दाओं में यदि गेंद खेलना है तो वह गेंद को हवा में उछालने एवं पकड़ने के अभिनय की शिक्षा देने के लिए एक कागज के गोले को बनाते थे और उसे हवा में उछालते थे और अपने शिष्यों से कहते थे कि इसे पकड़ो। तो उस और उसके बाद फिर बिना कागज के गोले के उनको बोलते थे कि इस तरह का आप अभ्यास करो, इससे अभिनय काफी स्ट्रांग होगा। इस प्रकार हमें ज्ञात होता है कि महाराज जी का सिखाने का ढंग बहुत ही भिन्न था और स्वाभाविक थी। वे अपने शिष्यों के व्यक्तित्व के पूर्ण विकास और कथक के प्रति उनके पूर्ण समर्पण पर बल देते थे। पंडित लच्छू महाराज एक स्थापित कलाकार थे, वे बहुत चिंतनशील व्यक्ति थे। उनकी शिक्षण पद्धति का अध्ययन करने के बाद हमें यह सीख मिलती है कि जिस तरीके से शिक्षा ग्रहण करना चाहिए और किस तरीके से हमें यह शिक्षा मिलती है कि किस तरीके से शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए और किस तरीके से शिक्षा देनी चाहिए। अंत में मैं यह कहना चाहती हूँ कि महाराज जी के बारे में कितना भी बोला जाए कम ही है। मेरे गुरु डॉक्टर मांडवी सिंह जी ने महाराज जी पर तो एक पूरी की पूरी पुस्तक ही लिख डाली है। मैंने अपने व्याख्यान में केवल उन्हीं बातों पर चर्चा की है जिसकी मैंने वर्तमान में जरूरत महसूस किया। मैं इस व्याख्यान का एक ही मात्र उद्देश्य है मेरे इस व्याख्यान का एक ही मात्र उद्देश्य है कि विद्यार्थी कथक नृत्य परंपरा की शिक्षण पद्धति को समझें, उस पर अमल करें और आज यह व्याख्यान मात्र व्याख्यान बनकर ना रह जाए, इसे व्यक्तित्व का रूप दें, अर्थात लच्छू महाराज जी जैसे व्यक्तित्व को पहचाने। और मुझे आशा है कि आज के इस व्याख्यान से विद्यार्थी निश्चित ही लाभान्वित होंगे।
आप सभी विद्यार्थियों, दर्शकों और मेरे गुरुजनों, जिसमें मुझे लगता है कि मांडवी दीदी जरूर ही देख रही होगी, वो तो मेरी बस आत्मा में बसती हैं। इसी तरह मुझे लगता है कि डॉक्टर सुचित्रा हरमलकर, जो एक बहुत प्रतिष्ठित कलाकार हैं और बहुत ही दिल की सहज और सरल हैं, और समृद्धा चौधरी, सभी से मैं ये निवेदन करती हूँ कि मैम मेरे इस व्याख्यान में यदि मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करें। अमित, आपने जिस दिन मुझे फ़ोन किया कि हम लक्ष्मण महाराज की जयंती मनाने जा रहे हैं, उसी तो वह बात सुनकर कुछ क्षणों के लिए मेरा मन रोमांचित हो उठा, और उस दिन से ही मैं इतनी उत्साहित हूँ कि शायद इस बात को शब्दों से बयां करना मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा। और अभी जब से हमने ये कार्यक्रम रखा है तो पिछले 4-5 दिनों से हमारी रोज़ ही बात होती है और इस कार्यक्रम को लेकर कुछ चर्चाएं होती हैं, जिसमें एक बात रोज़ ही हम करते हैं, वो आज मैं विद्यार्थियों के सामने बताना चाहूँगी कि जिन गुरुओं ने हमारे नृत्य को शुभ, सुंदर, शालीन और समृद्ध बनाया, तो उनके लिए ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उन्हें किन्हीं किसी न किसी रूप में याद करें। तो ये अवसर आज सर आपके द्वारा मिला, इसलिए मैं आपकी बहुत सराहना करती हूँ। अंत में एक चतुरंग प्रस्तुत कर रही हूँ। विद्यार्थियों को बता दूँ कि चतुरंग अर्थात जिसमें 4 प्रकार के तत्व हैं, सरगम, तराने की निरर्थक बोल, कविता के बोल और पखावज के बोलों का जिसमें समावेश हो, उसे चतुरंग कहते हैं। तो आज मैं बहुत सौभाग्यशाली फील कर रही हूँ अपने आप को कि जो मैं चतुरंग प्रस्तुत करने जा रही हूँ वो लक्ष्मण महाराज जी की कंपोजिशन है, और जो मुझे परंपरा से हस्तांतरित होते हुए अपने गुरु डॉक्टर मांडवी सिंह जी द्वारा मुझे मिली है। तो प्रस्तुत है ये चतुरंग। एक बात और मैं कहना चाहूँगी कि महाराज जी के लिए एक मेरी ओर से बहुत बहुत छोटी सी श्रद्धांजलि ही होगी। Mama, 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 mama
दरदानी तुम दरदाने दे देना, देना दरदानी तुम दरदाने दे देना। दादा मामा का ममता दानी तुम घर जाने के।